₹500 गैस सिलेंडर 200 यूनिट मुफ्त बरखी की शराइत में नरमी के लिए हुकूमत पर दबाव। हुकूमत की दो नई स्कीमात पर अमल आवारी के सिलसिले में जो रहनुमायाना खतूत जारी किए गए हैं, इनमें मुनासिब तरमीम और गरीब खानदानों को शराइत में नरमी के लिए मुख्तलिफ गोशों से नुमाइंदगी की जा रही है। रेवंत रेड्डी हुकूमत ने इलेक्शन में अवाम से किए गए वादों पर अमल आवारी के सिलसिले में दो जमानतों के अहकाम जारी किए। गृह लक्ष्मी स्कीम के तहत गरीब और मुस्तहकम खानदानों को माहाना 200 यूनिट मुफ्त बिजली की सरबराही का फैसला किया गया, जबकि महालक्ष्मी स्कीम के तहत गरीबों को पकवान गैस सिलेंडर ₹500 में सरबराह किया जाएगा। मुतल्लिका महकमे जात की जानिब से दोनों स्कीमात के सिलसिले में जो नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं, इनमें दरख्वास्त गुजारों के पास सफेद राशन कार्ड का होना लाजमी करार दिया गया है। तेलंगाना में कई गरीब खानदान ऐसे हैं जिनके पास राशन कार्ड मौजूद नहीं है और 6 जमानतों के ऐलान के वक्त इस बात की वजाहत नहीं की गई थी कि सफेद राशन कार्ड होल्डर्स ही स्कीम से इस्तेफादा कर पाएंगे। गाइडलाइंस की अजराई के बाद रियासती वजरा और कांग्रेस के अवामी नुमाइंदों पर मुख्तलिफ गोशों से दबाव बनाया जा रहा है कि शराइत में तरमीम की जाए।